हमारी 15 अगस्त की सेलिब्रेशन जो कि बहुत ही अच्छी रही। कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय किया हमने, है ना। और बच्चों के कार्यक्रम भी बहुत अच्छे थे। और अब क्या प्लान है सखियों? अब हमारा प्लान है हम जाएंगे कौन सा भोजनालय आज ये सभी भी, यानी कि हम सब भी आज आजादी चाह रहे हैं कि हम आज अपने किचन में नहीं जाएंगे और आज हम सब लंच करेंगे। कहाँ करेंगे लंच? जा रहे हैं, अभी नया नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत ही अच्छा है, और फिर आपको भी दिखाते हैं। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि हम क्या खाते हैं। 4 बजे तक तो हमारी स्कूल में इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन चली, जो कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, बहुत ही अच्छी रही। और उसके बाद हम सब लोग आ गए यहाँ रेस्टोरेंट में लंच। कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। तो ये है न्यू रेस्टोरेंट, यहाँ पे बना है, बहुत अच्छा है। मैं कल भी आई थी, ऐसा अच्छा ना, बैठने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी आना चाहें पार्टी वगैरह तो यहाँ बहुत अच्छा है। ये है, ये तिरंगा है भाई, आज इंडिपेंडेंस डे है तो गेटअप भी वैसा होना चाहिए ना। हमें क्या पता था, हम तो स्कूल आए थे, पर हमें प्राउड फील हो रहा है वैसे भी ऐसा। तो आज स्कूल में भी सेलिब्रेशन ही हुआ, क्योंकि आज वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन हमें सेलिब्रेट करना होता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा दिन है। कितने लोगों ने हमें ये आज़ादी देने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी है, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आज़ाद देश में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आज वही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हम लोग भी आए हैं। सभी चाहते थे कि रोज़ ही हम स्कूल से घर, घर से स्कूल दौड़ते हैं, तो आज चलो कुछ टाइम स्पेंड किया जाए एक साथ। तो सब ने ये प्लान बनाया कि लंच करते हैं साथ में। लाइफ वैसे भी अनसर्टन है, अनप्रडिक्टेबल है, कोई पता नहीं अगले मोड पर क्या होने वाला है या अगले कल ही क्या हो जाएगा। तो फिर जो भी समय हमें मिले इस तरह का गेट टुगेदर करने का या खुशियां बांटने का, तो बांटनी चाहिए। दो पल साथ में बिताए वो हमेशा याद ही रहते हैं। बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने बोल, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कल तुमको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच रहता हूँ अंदर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन में।
जी कैसी है आइसक्रीम? ठंडी। कैसी आइसक्रीम? बहुत गर्म है। ये बहन तो बोल रही है कि ठंडी है। बहुत गर्म है। बहुत गर्म है। गर्म ही होनी चाहिए तभी आइसक्रीम खाने का मजा है ना। हमारा लंच वंच हो गया है, अब हम विसर्जन कर रहे हैं, जा रहे हैं सब लोग। और इट वॉज अ नाइस लंच एंड इवनिंग है ना, बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल इवनिंग। और ये देखो पानी का लेवल कितना बड़ा था, रात को यहाँ तक पीछे पानी था लेकिन अभी नहीं है, अभी मौसम भी साफ है। हमारा इंडिपेंडेंस डे जो बहुत ही अच्छा रहा, स्कूल में इतनी अच्छी सेलिब्रेशन रही, बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद हमारा जो फीमेल स्टाफ है वो सभी गए थे हम लोग लंच करने के लिए, और लंच भी बहुत अच्छा रहा, यादगार लम्हे रहे आज के।